मैं सीमा के लिए बहुत परेशान हूँ। उसे अक्सर कमजोरी होती है और चक्कर आते हैं। स्कूल की पढ़ाई का बोझ भी वो नहीं ले पा रही है। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। उनका कहना है कि सीमा को अनीमिया है। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं, पर वो या तो भूल जाती है या दवाई खाने से मना करती है। अरे चिंता ना करो, सीमा को आयन से भरपूर भोजन दो, जैसे हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, दालें और साबुत अनाज। मैं कोशिश तो करती हूँ पूजा, लेकिन वो ये सब खाने में बहुत आनाकानी करती है, और कभी ये सब्जियाँ या तो बाजार में नहीं मिलती या बहुत महंगी होती हैं। तो फिर तुम डबल फोर्टिफाइड नमक का प्रयोग क्यों नहीं करती? ये डबल फोर्टिफाइड नमक क्या है? इस नमक में आयोडीन के साथ साथ आयन होता है। आयन मिला हुआ होने की वजह से उसके शरीर में खून की वृद्धि होगी, उसके शरीर को ताकत मिलेगी और दिमाग तेज होगा। क्योंकि हम नमक रोज खाते हैं, इसलिए नमक द्वारा उसकी रोजाना की आयन की आवश्यकता काफी हद तक पूरी हो जाएगी। दवाई खाना भूल जाना और सही सब्जियां बाजार में नहीं मिलने की चिंता तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। सच में? तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा नमक डबल फोर्टिफाइड है? प्लस एफ लोगो नमक के पैकेट पर देखकर प्लस एफ के निशान से पता लगता है कि इस नमक में सही मात्रा में, मतलब न ज्यादा न कम, आयन और आयोडीन मिलाया गया है। तुमने तो हमारी परेशानी ही दूर कर दी पूजा, बहुत धन्यवाद। अरे कैसी बात करती हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि वो खूब फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज भी खाती रहे। उसे आंवला, नींबू, संतरा, पपीते जैसे विटामिन सी से भरे फल देना, जो आयन को अवशोषित करने में मदद करेंगे। बिल्कुल, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगी। अब मैं बाजार जाकर प्लस एफ निशान वाला डबल फोर्टिफाइड नमक ले आती हूँ। DFS खाओ, स्वाद संग सेहत भी पाओ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।